उपलब्ध करवाने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर पुलिस ने सब्जी बेच रही महिला को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर उड़ी किरकिरी। सीएम गहलोत की अपील, कहा राजस्थान को है केंद्र सरकार की मदद की दरकार। बयाना में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने की नारेबाजी, पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने की रखी मांग। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक 60 साल की महिला सरोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त ने इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आलोचना करने वालों की बौछार लग गई। पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाना पुलिस की ओर से महामारी अधिनियम की पालना नहीं करने के आरोप में एक 60 वर्षीय महिला सरोज की गिरफ्तार किया गया। सरोज पर आरोप था कि वह ठेले पर सब्जी बेच रही थी। गुरुवार देर रात को जब ये प्रेस नोट जारी हुआ तो उसके बाद से जोधपुर पुलिस सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर आ गई। फेसबुक, ट्विटर पर लोगों ने मैसेज पोस्ट करने शुरू कर दिए कि शहर में चारों तरफ सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पुलिस को एक ठेले पर सब्जी बेचती हुई महिला ही नजर आई, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस में बहादुरी का काम किया है। जबकि शहर में दूसरी तरफ ऊंचे रसूख रखने वाले लोगों को पुलिस छू तक नहीं रही है, जो मनमर्जी से सब कुछ काम धंधा कर रहे हैं। खासतौर से सरकार के तय समय सीमा के बाद भी शराब शहर के हर थाना क्षेत्र में बिकती नजर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार से मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को केंद्र सरकार की मदद की दरकार है। इमरजेंसी के तौर पर प्रदेश की 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही आवंटित की जाए। प्रदेश में एक तरफ कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दवाई और ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। बढ़ते संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बार फिर अपील की है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्र सरकार की मदद की दरकार है। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड महामारी का मुकाबला करे। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करने वाली है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि अन्य राज्यों और विदेशों से मदद लेकर राज्य और अन्य राज्यों की सहायता करें। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरनगर में पीने के पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी। हरनगर के ग्रामीण मानसिंह धाकड़ ने बताया कि पिछले एक महीने से पीने के पानी के लिए ग्रामीण बेहद परेशान है। ग्राम पंचायत की ओर से लगाए गए समर सिविल हैंडपंप और पानी की टंकी में पानी नहीं होने से लोगों को पीने के पानी के लिए आसपास के गाँव में जाना पड़ रहा है। कई ग्रामीणों को पीने के पानी के पैसों से खरीदने पड़ रहा है। अभी गर्मी की शुरुआत है और गर्मी भीषण रूप लेगी। वहीं वोट मांगने आए नेता ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाओं का वादा कर चुनाव जीत कर गायब हो जाते हैं। उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत सरपंच, विधायक, एसडीएम और जिला कलेक्टर तक से पीने के पानी की मांग रखी, मगर महीनों गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से जमाल ग्रामीणों में खासा गुस्सा देखने को मिला। इसी से नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सरकारी बोर लगा हुआ है जिसमें पानी नहीं है, कम पानी है और छोटी मोटर लगी हुई है। जिस दिन से बोर लगा हुआ है उस दिन से आज तक 15 साल हो गए इस बोर को लगे हुए, और जिसमें 7.5 की मोटर डली हुई है, इसमें मोटर बड़ी डलवाई जाए जिससे पानी की पूर्ति हुई हो पूरे गांव की, और पानी पीवे। पूरा गाँव बड़ा परेशान है पानी से, और बोर हैं छोटे मोटे वो सब खराब हो चुके हैं। उनमें कोई में पानी नहीं है, कोई में सामान नहीं है, कोई में कुछ नहीं है। बड़ी समस्या हो रही है इस गाँव में, और अतिक्रमण इतना हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं सरपंच का ना पंच का किसी का कोई भी ध्यान नहीं है, और गांव की ना साफ सफाइयत पर ध्यान है। बहुत गंदगी हो रही है जिससे रात को मच्छर भी नहीं सोने देते, इतने मच्छर पैदा हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। काफ़ी लोग अब बीमारी चल रही है कोरोना की, उसमें और बीमार हो रहे हैं। किसी को मलेरिया हो गया है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी की उल्टी दस्त हो रहे हैं। मच्छरों से इस बोर के पास में इतनी गंदगी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये कि छोटा बोर है स्कूल के पास में, इससे पानी लेडीज भरती हैं, सुबह शाम चलता है, तो इसमें पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। और इतनी गंदगी हो रही है इस पर जिसकी कोई हद नहीं है। राजीव गांधी के पीछे सामने इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं है। ना तो कोई साफ सफाई पर ध्यान है,
ना किसी का किसी और चीज़ पर ध्यान है। पानी की समस्या इतनी हो रही है, लोग बाग अपने ट्यूबवेलों से बोरों पे चला चला के नहीं जब पानी लेके आ रहे हैं ट्रॉली ट्रैक्टरों के द्वारा, क्या करें इसकी समस्या को जल्दी से जल्दी सुनवाई करें आप, जिससे कि जलपूर्ति हो गांव के लिए। खबर चूरू के बीदासर से है, जहां लाखों की लागत से बनकर तैयार हुए तालाब निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग लाने के आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर गांव के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नानू राम कुमार ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। नानू राम ने मीडिया को बताया कि वे इसे लेकर कलेक्टर सहित कई अधिकारियों से जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वो न्याय की गुहार में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गांव कंदरसरों हरिराम प्रतिनिधि रुकमा देवी सरपंच बहुत निर्माण माड़ा किया। पहली बात 300 आदमी फेमिन में फर्जी आदमी लगे हैं, बहुत घोचाड़ा किया। घर ताला में पड़ी है, हिंदू का में मिस्ट ऑर्डर पड़ी है, कोई फेमिन मात गांव में दार पूछ लो, कोई एक ही कुंडू देर गया तो आदना मिस्टोल है, आदना मिस्टोल है। दूसरे में नाली निर्माण किया है तो 50,000 ईंटा खुरे की उखेड़ कर नाली निर्माण बिना एक इंची का टुकड़ा लगाया है। तीसरे में तड़ई खोदी है जबकि मैं सड़ेरी भिंटर ईंटा लगी है, एक नंबर इंटर लागनी चाहिए, छड़ेरी इंटर लगी है, घटिया माल लगे है, कोई ओदी सुनाई करी कोई नहीं। कलेक्टर द्वारे गए परा, बी डी ए द्वारे गए परा, जैन साहब कन गए परा, 181 मत गए परा, कोई सुनाई नहीं करी है। खबर नागौर के मकराना से है, जहां पुलिस ने गुरुवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई, साथ ही बिना मास्क घूमने वाले व्यक्तियों से पुलिस सख्ती से पेश आई है। आपको बता दें कि पुलिस थाना अधिकारी रोशनलाल के नेतृत्व में थाना परिसर के बाहर सहित शहर के अन्य स्थानों पर नाकाबंदी की गई। बिना मास्क और बिना किसी काम के घूमने वाले व्यक्तियों से सख्ती से पेश आकर उनके चालान बनाए गए। हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि गुरुवार को करीब 170 व्यक्तियों के चालान बनाए गए, जबकि 4 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां 3 केरी गांव के पीईओ को नोटिस देने के मामले में अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हस्तक्षेप किया है। गंगानगर कलेक्टर से तुरंत इस आदेश को वापस लेने को कहा। गंगानगर कलेक्टर से तुरंत इस आदेश को वापस लेने की बात डोटासरा ने कही। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऐसे आधारहीन नोटिस को तुरंत निरस्त कराया जाए। बता दें कि कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट घड़साना ने पीईओ को नोटिस जारी किया था। 3 केरी गांव में एक साथ 27 कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पीईओ को लापरवाही का दोषी ठहराया गया था। खबर जैसलमेर से है, जहां नगर परिषद के सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा के सामाजिक सरोकारों के निर्वाह में महत्वपूर्ण पहल बताया है, साथ ही जन जन को इसको लेकर आह्वान किया। इस योजना में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाने को कहा, ताकि आवश्यकता के वक्त सभी लोग इसका लाभ ले सके। कल्ला ने कहा कि आमजन के सामाजिक सरोकारों और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार संरक्षक के रूप में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के कल्याण की महत्वपूर्ण योजना है, जिसने गरीबों और जरूरतमंद आमजन को अपनी बीमारी की अवस्था में सेहत और रक्षा को लेकर होने वाली सारी चिंताएं समाप्त कर दी हैं। नमस्कार साथियों, आमजन के सामाजिक सरोकारों और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के हमारे प्रदेश की लोक कल्याणकारी राजस्थान सरकार के महानायक जननायक श्री अशोक जी गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। ये ऐसी योजना है जिसमें पहली बार मध्यम वर्ग को भी इसे जोड़ा गया है, और इसके लिए सरकार ने विशेष प्रकार से 3500 करोड़ रुपए की राशि इसमें समायोजित करके आमजन को लाभ पहुंचाया है। प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक तबके के लिए बनी ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें पहली बार स्वास्थ्य बीमा में कोरोना को भी साथ लिया गया है। मेरा आप सभी से, आमजन से एक यही अपील है, यही निवेदन है कि अधिक से अधिक इस योजना का प्रचार करें, प्रसार करें और अपने क्षेत्र के सभी निवासियों को इसमें जोड़ें, ताकि बीमारी एक ऐसी होती है जो कभी समय बता करके नहीं आती है, तो उस बीमारी में हमारे परिवारों का बहुत कुछ लग जाता था, लोग
फिर दाने दाने को मोहताज हो जाते थे। तो उन सबसे बचाव के लिए राज्य सरकार ने आमजन को इस तकलीफ से बचाने के लिए ये लोक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की है, और आप अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें और उनका जन आधार से लिंक करवा करके इस योजना में सहभागी बनावाएं और उनको बीमित करावाएं। मैं पुनः एक बार राज्य सरकार को, हमारे प्रदेश के जननायक श्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस योजना के माध्यम से सभी वर्गों को छुआ है और उनकी इस दर्द को, तकलीफ को समझा है। धन्यवाद। जय हिंद। खबर बीकानेर से है, जहां रेलवे क्लब वेलफेयर द्वारा सूती कपड़े के मास्क बनाने का कार्य एक बार फिर शुरू कर दिया है। इसी क्रम में 550 मास्क सेवा भारतीय समिति के संस्था रामलीला मैदान के पीछे प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट को भिजवाए गए। ज्ञात रहे कि यह वही रेलवे क्लब है जिसने 18 मार्च से लेकर 4 महीनों तक लगातार रेलवे क्लब में मास्क बनाए और फ्री में बीकानेर शहर और आसपास के गाँव में हर जरूरतमंद को निःशुल्क वितरित किए। इनकी संख्या करीब 2 लाख थी। अब जब दोबारा कोरोना प्रकोप दिखाया है तो कमेटी ने इस कार्य को फिर से शुरू कर दिया है। क्लब संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, उचित दूरी बनाए रखें, साथ ही मास्क जरूर पहने। मास्क ना होने पर तुरंत रेलवे क्लब जाकर निशुल्क मास्क प्राप्त करें। इस मौके पर बजरंग चौधरी, शबीर अहमद, कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। We'll be right back.